सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसकी वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे गाइस बात करेंगे कि एमबीए करने के फायदे। देखो बहुत सारे लोग अब इस पे आके कमेंट करेंगे कि सर अब एमबीए बेकार हो चुका है, एमबीए डेड हो चुका है, एमबीए करने के कोई फायदे नहीं है, एमबीए जो लोग कर रहे हैं उनका करियर हो रहा है बर्बाद। ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे, लेकिन मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ कि एमबीए बर्बाद नहीं है एमबीए करके, और एमबीए ना बंद हुआ और ना एमबीए बेकार है। एमबीए करने का तरीका बदल गया है, और ये तरीका तब से बदला है जब से डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में एंट्री किया है। नॉक 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 डिजिटल मार्केटिंग का ही हुआ है, ठीक है। और ये नॉक नॉक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस ला दिया एमबीए में। आईआईएम से एमबीए लोग करके करोड़ों का पैकेज लेते हैं। आईआईएम या इंडिया की वो संस्था है जिससे कि एमबीए लोग करने के बाद करोड़ों की पैकेज, पहली बार जॉब में करोड़ों की पैकेज स्टार्ट हुई। इससे पहले आईआईटीएन जो थे, आईआईटी वाले मतलब माइंडसेट ये करके चलते थे कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, और करोड़ों की पैकेज आईआईटी में नहीं पहुंची थी, 50 55 60 लाख तक की पैकेज पहुंचती थी। लेकिन जब से आईआईएम में करोड़ों की पैकेज पहुंची, फिर आईआईटी ने उसको कहीं ना कहीं पीछे किया। और आईआईएम में पढ़ने वाले पहले मैक्सिमम लड़के जो होते थे आईआईटीएन होते थे, अब आईआईटीएन नहीं है मैक्सिमम लड़के। मैक्सिमम लड़के टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज वाले भी आईआईएम में जाते हैं और अपने जो करियर है उसको एक अच्छा खासा मोमेंट देते हैं। देखो अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो सबसे पहले रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से करो, आईआईएम जैसी संस्थाओं से करो, उसके बाद फिर मतलब अच्छी जगह से करो जहाँ से प्लेसमेंट हो सके आपका, और जहाँ से फैकल्टी अच्छी हो, जहाँ पे पढ़ाई सही हो। अगर मान लो 2% को प्लेसमेंट भी ना हो तो एमबीए, अगर आप ऐसा सरप बेचने वाला एमबीए मत करिए, ठीक है। एमबीए करिए तो सही जगह से करिए। ऐसे ऐसे एमबीए वालों को मैंने देखा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, मतलब पर्सनालिटी। देखो मार्केटिंग के बंदे हो आप, चाहे एमबीए मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, एमबीए एक पर्सनालिटी होती है। कहीं ना कहीं आप कह लो कि मैक्सिमम लोग जो है मार्केटिंग में जाते हैं एमबीए करके, अकाउंटिंग और एचआर बहुत कम लोग करते हैं, बहुत रेयर केस में, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग मार्केटिंग में ही जाते हैं। तो मार्केटिंग का जमाना बदल गया, अब मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं रह गई कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप करो, मार्केटिंग करने का तरीका बदल गया है। और उस तरीके में अगर आप नहीं बदलाव करोगे तो शायद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाओगे। अब डिजिटल मार्केटिंग आ गया, पहले एमबीए के साथ डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं थी। डिजिटल मार्केटिंग ने कहीं ना कहीं जो नॉर्मल एमबीए होते थे उसकी वैल्यू गिरा दी है, और अब कोई भी एमबीए वाला हो उसको डिजिटल मार्केटिंग आना मैंडेटरी है। डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लेनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखता है तो शायद उसका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे आप कहीं से एमबीए कर लो, चाहे IIM से भी कर लो, तब भी आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो बी टाउन के बिजनेस स्कूलों से अगर आप पढ़ते हो, जो बॉलीवुड वाले सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चे कहाँ जाते हैं, बी टाउन के बिजनेस स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। मुकेश अंबानी के बेटे कहाँ जाते हैं, बी टाउन के बिजनेस स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। बिजनेस एक ऐसी चीज है ना जिसमें प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं हो, प्रैक्टिकली फिट नहीं बैठ रहे हो, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो, ठीक है। लॉस मेकिंग तो एक अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक एनालिस्ट बन सकते हो, एक मार्केटिंग हेड बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो। मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आएंगी तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आपका करियर ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, फिर उसी डायरेक्शन में आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने करियर को, फिर जाकर के आपका करियर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो अगर आप देखो एमबीए करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक अच्छे कॉलेज से करो, ठीक है। अब एमबीए देखो बीए के बाद भी आप एमबीए कर सकते हो, बीबीए के बाद भी कर सकते हो, बीसीए के बाद भी कर सकते हो, उसके बाद बहुत सारे मतलब करियर ऑप्शन है आपको कि आप एमबीए कर सकते हो। इंजीनियरिंग के बाद भी आप एमबीए कर सकते हो। अगर मान लो टायर थर्ड कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया है और एमबीए आपको एक रेपुटेटेड कॉलेज से करने का मौका मिल रहा है, तो ऑब्वियसली गाइज आप जाइए। एक रेपुटेटेड कॉलेज से एमबीए करने का मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिल्कुल करिए। और सही अपॉर्चुनिटी और सही टाइम पे किया गया काम हमेशा सफल होता है। और अगर आप नहीं करोगे, उस रेपुटेटेड कॉलेज से नहीं करोगे, रेपुटेटेड जगहों से नहीं करोगे, तो जैसे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं ऐसे आप भी बेरोजगार घूमोगे। तो मेरा काम था आपको सही गाइडेंस देना, और एमबीए के बाद जॉब की कमी नहीं है। हर कंपनी में एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत है। अगर आप एमबीए करते हो तो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 50,000 से लेकर लाख रुपए महीना स्टार्टिंग की पा सकते हो, चाहे कैंपस हो चाहे कैंपस ना हो। मॉडर्न युग है, डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो। तो
तो बस वीडियो में इतना ही, और जिनको करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए आप लोग डायरेक्टली careereducation.com पे जा करके मेरे से बात कर सकते हो और कंसल्टिंग सर्विसेज ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।